लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के केस में दो होस्ट होते हैं, डेफिनेट होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेट होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल होता है, और इनडेफिनेट होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल होता है। ए से एसेक्सुअल, आई से इंटरमीडिएट, ए और आई दोनों वावर्स हैं। प्लाज्मोडियम के केस में जो जो डेफिनेट होस्ट होस्ट है वो हमारे पास है मॉस्किटो, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है हमारे पास ह्यूमंस। अब जो मॉस्किटो जो हमारे पास डेफिनेट होस्ट होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल साइकिल होता है, उसको हम नाम देते हैं स्पोरोगोनी का। स्पोरोगोनी इसलिए क्योंकि उसमें स्पोरोजाइट्स बन रहे होते हैं। और ह्यूमन में जो एसेक्सुअल साइकिल होता है उसको हम नाम देते हैं शिजोगोनी का। शिजोगोनी इसलिए क्योंकि इसमें शीजोन्स बन रहे होते हैं, शीजोन्स। प्लाज्मोडियम होता है वो मॉस्किटो से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और मॉस्किटो के अंदर स्पोरोगोनी हो रही होती है जिसके नतीजे में स्पोरोजाइट्स बन रहे होते हैं। लिहाजा जब मॉस्किटो इंजेक्ट करते हैं, ब्लड मेल लेते हैं प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करते हैं, तो वो एट द स्टेज ऑफ दी स्पोरोजाइट्स होते हैं, स्पोरोजाइट वाली स्टेज पे होते हैं। तो वो स्पोरोजाइट को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये स्पोरोजाइट हमारी बॉडी के अंदर जब आ जाते हैं तो यहाँ पे टू स्टेजेस होती हैं, एक होती है एग्जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, दूसरी होती है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब जैसे नाम शो कर रहे हैं एग्जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, आउटसाइड ऑफ दी आरबीसीज, ये स्टेज लीवर के अंदर होती है। जो स्पोरोजाइट्स इंजेक्ट किए होते हैं उसने हमारी बॉडी के अंदर, वो लीवर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होके बना देते हैं मीरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स कन्वर्ट इंटू दी मीरोजाइट्स इन दी लीवर सेल। लीवर सेल में स्पोरोजाइट मीरोजाइट्स बना देते हैं। मीरोजाइट की गिर्द एक वाल आ जाती है, थिक सी वाल, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं शीजोन्स का। शीजोन्स का, शीजोन्स का इसलिए क्योंकि हमने बात की थी कि जो ह्यूमन के अंदर जो लाइफ साइकिल होता है उसको हम शीजोगोनी कहते हैं, क्योंकि उसमें शीजोन्स बनते हैं। ये वो शीजोन्स हैं जो बन गए हैं, इनके अंदर बहुत से मीरोजाइट्स हैं। जब ये अब सेकंड स्टेज आ जाती है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, इसमें क्या होता है कि जब ये रप्चर हो जाता है शीजोन्स, तो मीरोजाइट्स जो होते हैं वो आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसीज के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर एक राउंडेड वर्म बना देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ट्रोफोजाइट का। हमने कहा था पैरासाइट होस्ट के अंदर ट्रोफोजाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये ट्रोफोजाइट्स होता है ये वंस अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी शीजोन्स, वो दोबारा शीजोन्ट बना देता है, वो शीजोन्ट जिसके अंदर बहुत सारे मीरोजाइट होते हैं। ये मीरोजाइट फर्दर आरबीसीज को इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। अब ये हमारे पास एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब जो सेक्सुअल साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का, वो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही शुरू हो जाता है, और ह्यूमन आरबीसीज के अंदर ही हमारे पास मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स बन जाते हैं, मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास मॉस्किटो आता है और वो ब्लड सक करता है, तो वो आरबीसीज को जब सक करता है तो उन आरबीसीज के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स होते हैं। ये मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द स्मॉल मेल माइक्रोगैमेट एंड लार्ज फीमेल मैक्रोगैमेट। माइक्रोगैमेट में और मैक्रोगैमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रो मेल और मैक्रो फीमेल। अब उनकी बॉडी के अंदर, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ये माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन कर देते हैं और हमारे पास जाइगोट बना देते हैं। ये जाइगोट बना देते हैं, और जो जाइगोट होता है वो ओकाइनेट बना देता है, जो कि एक मोटाइल फॉर्म होती है, और ओकाइनेट कन्वर्ट हो जाता है ओसिस्ट में, और ओसिस्ट के अंदर बहुत सारे स्पोरोजाइट्स होते हैं। स्पोरोजाइट्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल था, और हमने कहा था सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्पोरोगोनी है क्योंकि उसमें स्पोरोजाइट्स बन रहे होते हैं। ये स्पोरोजाइट्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वो बाइट करता है तो उनको इजेक्ट कर देता है।